देहरादून वालों के लिए कहा जाता है कि देहरादून वालों को टिक्की खाना बहुत पसंद है। खासकर बन टिक्की उन्हें बहुत पसंद आती है, क्योंकि देहरादून की बन टिक्की में भी अलग स्वाद होता है। अगर बात करें मोती बाजार की दुकान की, तो यह शाम 5 बजे खुलती है, तो यहाँ बन टिक्की के खाने वाले लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। इसकी वजह यह है कि 30 साल पुरानी इस दुकान पर जो स्वाद 30 साल पहले मिला करता था, आज भी लोगों को वही मिल रहा है। लगभग 30 साल हो गए हैं। पहले मेरे बड़े भाई थे और फिर मैं साथ में आते थे। अच्छा, जी। दूध की टिक्की है और बन टिक्की। अच्छा। ये हमारा पुराना काम है और हम क्वालिटी अच्छी देते हैं और लगभग पूरे देहरादून से ही आते हैं। बहुत अच्छा है, फैमिली आती है। मोती बाजार से गुजरने वाले लोग अक्सर ही राजेश बन टिक्की कॉर्नर पर आ जाते हैं, क्योंकि इसका स्वाद और इसकी खुशबू उनको खींच कर ले आती है। बबीता सैनी बताती हैं कि उन्होंने यहाँ पहली बार बन टिक्की खाई, जो उन्हें काफी पसंद आया। मैं आज पहली बार खा रही हूँ, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है और मुझे अच्छा लग रहा है। बन टिक्की ज्यादा पसंद है यहाँ पे। पता नहीं, बन टिक्की का ज़्यादा ही ट्रेंड है, जिससे कि सब लोग बन टिक्की बहुत पसंद करते हैं ना। है मतलब बर्गर जैसा, लेकिन फिर भी बन टिक्की ज़्यादा पसंद करते हैं। आप कहाँ से हैं? हाँ, मैं हरिद्वार से हूँ और यहीं शिफ्ट किया है। मैंने देहरादून में शिफ्ट किया है, लेकिन देहरादून वालों को बन टिक्की बहुत पसंद है और इसलिए मैं भी बन टिक्की खा रही हूँ। 20 वर्षों से यहाँ की बन टिक्की खा रहे पुलकित का कहना है कि उन्हें यहाँ करारी बन टिक्की के साथ मीठी चटनी मिल जाती है, ये कॉम्बिनेशन उन्हें बहुत पसंद आता है। अभी बचपन से ही खा रहे हैं बन टिक्की यहाँ की, हो गए होंगे 20 साल हो गए करते करते। क्या अच्छा लगता है बन टिक्की में यहाँ? बन टिक्की मतलब टिक्की करारी रहती है और दही सूट चटनी वगैरह सब अच्छी लगती है। हाँ, यहाँ देहरादून का तो बन टिक्की ज़्यादा ट्रेंड में है। वहीं दूसरे ग्राहक सुरजीत का कहना है कि वह बचपन से ही यहाँ की बन टिक्की खा रहे हैं। उन्हें यहाँ की बन टिक्की का स्वाद इसलिए पसंद है क्योंकि इनकी चटनी कुछ अलग ही है। छोटे होते से यहीं से आ रहा हूँ, टिक्की खा रहा हूँ बचपन से। समझ गए, कम से कम हो गए मुझे 15 से 20 साल हो गए यहाँ टिक्की खाते खाते। पापा के संग ही आता रहा, मैं टिक्की खाता रहा और टिक्की का स्वाद आज भी बचपन जैसी टेस्ट है मेरे पास। जैसे पहला खाता था आज भी वैसे ही खा रहा हूँ, लेकिन वहाँ मुझे कभी वो फील ही नहीं हुआ यहाँ यहाँ टेस्ट मिलता है। बर्गर से कितना अलग? टिक्की बहुत ही अलग है ये, क्योंकि इनकी खासकर हाथ की बनी हुई चटनी, भैया की चटनी बहुत अच्छी है। इन चटनी के पीछे मैं समझ लो 18 साल से पीछे पड़ा हूँ, हमेशा खा रहा हूँ, एकदम फ्रेश है साथ। देहरादून से न्यूज़ 18 लोकल के लिए हिना आज़मी की रिपोर्ट।